किस कॉलेज में कितना सीट है, एक आपको लिस्ट मिल जाएगी, 100 से कम है तो आपको ऐसे लंबे लंबे चौड़े कॉलेज का ख्वाब नहीं देखना है, गलती आप प्लीज मत करिएगा। ये एवरेज मार्क्स होता है, तो 5 कॉलेज टॉप रखना होगा, फिर आपको क्या है 10 कॉलेज लो रखना है, बेस्ट मार्क्स है ये, क्या है बेस्ट मार्क्स है, इसे तैयार कर लेना होगा। तो आप अपना होम डिस्ट्रिक्ट है उसे भी क्या यहाँ पर आप चूज कर सकते हो, 220 प्लस है तो आप जो कॉलेज चाहोगे वो मैं आपको 110% कह दूं आपको कॉलेज वो मिलकर ही। जेकब का आपने एंट्रेंस एग्जाम दिया होगा, तो अगर आपने आंसर की चेक किया है, नहीं चेक किया है, या आपका आंसर किया है, जब आप चेक करोगे तो आपका जो मार्क्स है वो क्लियर हो जाएगा। लेकिन जब मार्क्स क्लियर होगा तो उसमें ये नहीं क्लियर हो पाता है कि हमें कौन सा ब्रांच या कौन सा कॉलेज मिलेगा, क्योंकि इसका कोई ऑफिशियली कटाव नहीं आता है, जो हर कॉलेज का जो कटाव जाता है, अगर हम यूपी पॉलिटेक्निक का बात करते हैं तो यूपी पॉलिटेक्निक में क्या होता है, हर कॉलेज का जो कटाव जाता है, हर ब्रांच का जो कटाव जाता है वो अलग अलग जाता है। जैसे अगर आप रेलवे का देखोगे, एसएससी का देखोगे, तो उसमें आलोदा कटाव जाता है, लेकिन ऐसा आपकी पॉलिटेक्निक में नहीं होता है। तो मित्रों मैं इस वीडियो में आप बात करने वाले हैं कि आपको पॉलिटेक्निक कॉलेज लिस्ट कैसे तैयार करना है। अगर आपके कुछ भी मार्क्स है 100 है, 101 से लेकर इतने हैं, 160 प्लस है, या आपका 220 प्लस है, तो आपको कैसे कैसे लिस्ट तैयार करना है, क्योंकि अब जब आपकी काउंसलिंग स्टार्ट होगी तो आपको इससे कोई मौका नहीं रहेगा कि आप कैसे कैसे तैयार कर सकते हो। तो आई होप आपको ये वीडियो पूरा आप प्लीज देखिए, इस वीडियो से आपका बहुत हेल्प होने वाला है। तो मित्रों मैं हूं राजेश, और पढ़ने संबंधित आपको ऐसे ही इन्फॉर्मेशन इस चैनल पर मिलती रहेंगे, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करिए, जैसे नेक्स्ट वीडियो आते हैं तो आपको मिल जाए। देखिए पॉलिटेक्निक में जो कॉलेज लिस्ट होता है वो आप कहां से, पहले कॉलेज किस कॉलेज में कौन सा ब्रांच है, कितना सीट है, इससे संबंधित मैंने एक वीडियो बनाया है, उस वीडियो का लिंक आप जाकर डाउनलोड कर सकते हो, देख सकते हो कि कैसे कैसे डाउनलोड करते हैं। मैं आपको बता दूं, BTUP एडमिशन सर्च करोगे, क्या सर्च करना है आपको गूगल पर, BTUP एडमिशन सर्च, तो वहां पर आपको मिल जाएगा कि कौन से प्राइवेट कॉलेज है, कौन से एडेड कॉलेज है, तथा किस कॉलेज में कितना सीट है, एक आपको लिस्ट मिल जाएगी 50-60 पेज का, उसमें आप फिल्टर कर आप आसानी से आपको मिल सकता है, चाहे आप अपने होम डिस्ट्रिक्ट का ही क्यों ना चाहते हो, है ना, तो आपको मिल जाएगा। देखिए अगर आपके मार्क्स है मेरे मित्र 100 से कम है या 100 ही, अगर हम मान लेते हैं कि आपके जो मार्क्स हैं अगर 10 से लेकर 100 है या आप 100 से कम है, तो आपको ऐसे लंबे लंबे चौड़े कॉलेज का ख्वाब नहीं देखना है, गलती आप प्लीज मत करिएगा। आपको ऐसे कॉलेज डालना है जहां पर बच्चे कम रिफर करते हैं, जहां पर बच्चे क्या जाना नहीं चाहते हैं, जैसे आप उस आउट एरिया थोड़ा सा हो जाता है, और अगर आप दूसरे ब्रांड में जैसे अगर आप जैसे मान लीजिए आपके 100 मार्क्स हैं और अगर आप डिप्लोमा इन फार्मेसी का ख्वाब देख रहे हो, तो शायद ही क्या मिलना थोड़ा सा बहुत मुश्किल है, है ना। वही अगर आप सिविल इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल चाहते हो तो आपको मिल जाएगा, लेकिन आपको ऐसे कॉलेज का जो लिस्ट बना लेना है जहां पर क्या है बच्चे कम जाना चाहते हैं, है ना, जहां का जो कट ऑफ है वो बहुत कम जाता है, कम कट ऑफ जाता है, ऐसे कॉलेज आपको चूज करना है। आप कहोगे मुझे कैसे पता चल पाए कि मुझे कहां पर कम कट ऑफ जाता है, कहां पर ज्यादा जाता है, तो यह आपको थोड़ा सा मेहनत करना होगा, यूट्यूब पर सर्च करना होगा, गूगल पर देखना होगा कि कहां का कट ऑफ कम जाता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं 160। देखिए ये एवरेज मार्क्स होता है, ये जो पॉलिटेक्निक का क्या होता है मेरे मित्र, ये औसत मार्क्स होता है, क्या होता है ये औसत मार्क्स होता है, ये एक तरह का क्या है, इसमें 100% आपको कॉलेज मिलेगा, क्या है आपको 100% कॉलेज मिलेगा, हो सकता है कि आपको बढ़िया कॉलेज ना मिल पाए, लेकिन आपको जो कॉलेज है वो 100% मिलेगा। अब इसमें कहोगे मुझे सिविल चाहिए, इलेक्ट्रिकल चाहिए, केमिकल चाहिए, जो भी ब्रांच चाहे तो इसमें आपको मिल जाएगा, अगर हम डिप्लोमा इन फार्मेसी को छोड़ देते हैं तो उसके अलावा जितने भी ब्रांचेस हैं आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। अब आपको कैसे लिस्ट तैयार करना है, तो आप पहली बात तो जब काउंसलिंग करवाइएगा तो 5 कॉलेज टॉप रखना होगा आपको, 5 टॉप, जैसे लखनऊ हो गया, गोरखपुर हो गया, कानपुर हो गया, ये सब आपको रखना है, 5 ये कॉलेज रखना है। उसके बाद में क्या है, 5 आपको ऐसे कॉलेज रखना है जो थोड़ा सा क्या कहते हैं बहुत मीडियम टाइप के आ जाते हैं, जो वो कॉलेज आपको रखना है। अब इसमें कहोगे मीडियम में कौन सा आ जाता है, तो जैसे आपका बस्ती हो गया, अयोध्या हो गया, फैजी फैजाबाद के नाम से जानते हैं, हालांकि तो भी फैजाबाद ही है, फिर आपका गोंडा हो गया, ऐसे करके बहराइच हो गया, तो ये सब क्या है वो आपके आते हैं। फिर आपको क्या है 10 कॉलेज लो रखना है, है ना, जो बहुत लो आ जाते हैं सुल्तानपुर वगैरह, तो ये सब क्या है आपको सोनभद्र साइड में चले जाओगे, तो ये सब क्या है आपको हाजीपुर गाजीपुर ये सब जो कॉलेज आते हैं वो सब क्या है आपके बहुत लो में आते हैं, तो ये कॉलेज आपको चूज करना होगा। अच्छा इनको क्या करना चाहिए, जिनका मार्क्स है 160 से लेकर 220 तक आ रहा है, यानी 220 तक आ रहा है, तो उनको क्या करना चाहिए, ये आप समझ लीजिए आपके पास बहुत बढ़िया अपॉर्चुनिटी है। अगर आपके मार्क्स 160 या 220 आ रहा है, इसमें ऐसे इनका अगर बात करें तो ये बहुत बढ़िया यानी बेस्ट मार्क्स है,
ये क्या है बेस्ट मार्क्स है, इससे अच्छा कुछ नहीं है। आप इसमें एक चांसेस और है कि आपको डिप्लोमा इन फार्मेसी चाहते हो तो इसमें क्या है मिलने की पॉसिबिलिटी बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा पॉसिबिलिटी है ना। मैं मान सकता हूँ कि 70% चांस है कि इसमें आपको अगर आपके 160+ मार्क्स है तो आपको डिप्लोमा इन फार्मेसी मिल जाएगा। लेकिन देखिए अगर आप सिविल इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल इन सब ब्रांचों में जाना चाहते हो, ये ग्रुप से आप काउंसलिंग करवाना चाहते हो, क्योंकि जो डिप्लोमा इन फार्मेसी होता है हमारा ई ग्रुप से आता है, अगर आप ये ग्रुप से या के ग्रुप से करना चाहते हो तो इसके लिए मैं आपको कहना चाहूंगा कि 160-120 मार्क्स बहुत बढ़िया मार्क्स होता है। जो कॉलेज आप डालोगे वो कॉलेज आपको मिलेगा, यानी आप जैसा कॉलेज चाहते हो वैसा ही आपको क्या है मिलेगा, जैसा आप चाहते हो जो कॉलेज चाहते हो। तो प्लीज आप अपने खर्च को देखते हुए आपको 5 ऐसे कॉलेज डालना होगा जहां पर अच्छा है। और अगर आप अपना होम डिस्ट्रिक्ट छोड़कर नहीं जाना चाहते हो तो क्या है आप अपना होम डिस्ट्रिक्ट, जैसे मान लीजिए आप गोरखपुर से हो तो गोरखपुर को सबसे पहले डाल दीजिए, आप गोंडा से हो तो गोंडा को सबसे पहले डाल दीजिए, है ना। तो ऐसे आप क्या है लिस्ट तैयार कर लेना होगा। तो आप अपना होम डिस्ट्रिक्ट है उसे भी क्या है यहाँ पर आप चूज कर सकते हो, आप अपना क्या है होम जिला भी चूज कर सकते हो, होम डिस्ट्रिक्ट है तो आप अपना होम डिस्ट्रिक्ट यहाँ पर डाल दीजिएगा। अच्छा अब बात करते हैं जिनका 220+ है, इनका वेरी बेस्ट मार्क्स होता है, वेरी बेस्ट मार्क्स है। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ क्योंकि इतना मार्क्स लाना क्या है एक 10th या 12th बच्चों के लिए बहुत क्या है टफ हो जाता है। इसमें जो पहुंचते हैं लगभग 10% बच्चे ही पहुंच पाते हैं, 5% ही बच्चों का इतना मार्क्स आ पाता है कि वो 220 क्रॉस कर जाए। इसमें डिप्लोमा इन फार्मेसी मिलने के इस अगर आपके मार्क्स 220+ हैं तो आप जो कॉलेज चाहोगे वो मैं आपको 110% कह दूं आपको कॉलेज वो मिलकर ही रहेगा, वो आपको कॉलेज मिलकर रहेगा। बस आपको क्या थोड़ा सा अच्छे से काउंसलिंग करवाना होगा। देखिए जब आप काउंसलिंग करवाओगे तो आपको जो कॉलेज चूज करने का या कोई भी चीज फिल करने का आपको कैसा मौका मिलता है, कैसे आपको कॉलेज में काउंसलिंग कैसे करवाया जाता है, इस चीज को अगर हम मोटा मोटा आप समझाना चाहें तो आप कैसे कर सकते हो। जैसे हम मान लेते हैं कि फैजाबाद में हमारे चार सपोज डेट के लिए मान लेते हैं कि मैकेनिकल भी है, इलेक्ट्रिकल भी है, केमिकल भी है, मैं आपको बता रहा हूँ, फिर क्या है आपका सिविल भी है ये आपके, या फिर मान लीजिए कंप्यूटर साइंस है ना, तो ये आपका क्या हो गया केमिकल हो गया। देखिए तो जब आप काउंसलिंग करवाने जाओगे तो ऐसा नहीं कि आप फैजाबाद आपने सर्च किया तो फैजाबाद, जैसे आपने सर्च किया कि गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक फैजाबाद, तो आपको क्या है उसके जितने भी ब्रांचेस हैं वो खुलकर आपके सामने आ जाएंगे। तो आपको गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक फैजाबाद मैकेनिकल से चूज करना होगा अगर आप मैकेनिकल चाहते हो तो, ठीक है। फिर आप अगर आप मैकेनिकल चाहते हो, मैकेनिकल नहीं चाहते हो, सोचते हो मुझे सिविल मिल गया, तो आपको क्या करना है गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक फैजाबाद आपको लिखा जाएगा सिविल ब्रांच, गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक सीएस, आप सीएस चाहते हो तो सीएस में भी करवा सकते हो। लेकिन जब आप काउंसलिंग करवाइए तो इस चीज को ध्यान रखिए जो ब्रांच आप चाहते हो वही ब्रांच आपको अलग अलग कॉलेज में जाकर चूज कर लेना है। जैसे आप मैकेनिकल से पॉलिटेक्निक करना चाहते हो तो आपको क्या है उसमें फिल्टर करने का ऑप्शन रहता है गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक, गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक ऐसे आपको सर्च करने का मौका मिलता है उसमें गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक, आपको गोंडा यहाँ पर भी डाल सकते हो, गोंडा भी डाल सकते हो ऐसे गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक, आप बस्ती साथ में आप ब्रांच को देखते चलिए, यहाँ पर लिखा रहेगा मैकेनिकल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल ऑटोमोबाइल, मैकेनिकल प्रोडक्शन, मैकेनिकल, सबसे पहले बता दूं अगर आप मैकेनिकल से करना चाहते हो तो आप चाहे प्रोडक्शन लीजिए चाहे ऑटोमोबाइल लीजिए, इसमें कोई दिक्कत नहीं होती है, बस सबका जो सिलेबस होता है सेम ही होता है। देखिए फिर आप ऐसे ऐसे करके हर कॉलेज का आप क्या चूज कर सकते हो, और लास्ट में आपको मैकेनिकल अपना ब्रांच जरूर देखकर चलना है। वही अगर आप सिविल लेना चाहते हो तो ऐसे आप लास्ट में आपको सिविल देखकर चलना होगा, सीएस लेना चाहते हो तो सीएस लेकर आपको चलना होगा। आपको अपने ब्रांच को प्रायोरिटी रखना है, आपको कहीं पर भी कॉलेज मिल रहा है तो आपको ले लेना है, लेकिन आपको ध्यान क्या रखना है आपको अपना ब्रांच ध्यान कर रखना है। तो मित्रों आई होप आपको जानकारी अच्छी लगी होगी, चैनल पर नए सब्सक्राइब करिए क्योंकि जैसे नेक्स्ट वीडियो लाए तो आपको मिल जाए। जय हिंद, वंदे मातरम।